ओम शांति। बाबा हम सभी को श्रेष्ठ स्वमानधारी बनाने आए हैं। आते ही याद दिलाया, बच्चे तुम बहुत रॉयल कुल के हो, तुम ब्राह्मण कुल की महान आत्माएं हो, तुम देव कुल की महान आत्माएं हो, तुम प्रभु पालना में पलने वाले हो। स्वमान जगाया हम सबका। और बाबा कहते हैं कि जितनी ऊंची दृष्टि से मैं तुम सबको देखता हूं, तुम भी अपने को वैसी ही ऊंची दृष्टि से देखो। जरा विचार करें, बाबा हमें किस महान दृष्टि से देखता है। वे देखते हैं कि ये वही हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, ये वही हैं जिनके दर्शनों के लिए भक्त लंबी भीड़ लगाते हैं, ये वही हैं जो कभी सृष्टि के हीरो एक्टर रहे हैं। बहुत ऊंची दृष्टि है बाबा की। ये मेरे नैनों के नूर हैं, ये वही हैं जिन्होंने मेरे स्वर्ग को दो युग तक संभाला, निष्कंटक रखा, निर्विघ्न रखा, अटल अखंड साम्राज्य किया। हम अपने स्वमान को जगाएं। जिसके पास स्वमान नहीं होता, उसके अंदर हीन भावनाएं रहती हैं। वो सदा दूसरों की ओर प्यासी नजरों से देखते हैं, वो चाहते हैं हमें दूसरे कुछ दें, वो मांग भी करते हैं, धन की मांग भी करते हैं, मान सम्मान की मांग भी करते हैं। लेकिन जो स्वमान में रहते हैं, मान सम्मान तो उनके पीछे परछाई की तरह आता है। उनके जीवन में तो बहुत रॉयल्टी आ जाती है, उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है, उनके छोटे विचार भी सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो अपने इस ज्ञान और योग के यात्रा में आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें अपने श्रेष्ठ स्वमान को पहचानना है, उसे स्वीकार करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन से ही मनुष्य के अंदर कुछ हीन भावनाएं रही, उसका जन्म गरीबी में हुआ, उसको बार बार असफलता मिली, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार नहीं थे, उनसे लोगों ने दुर्व्यवहार किया, उनको नीचा दिखाया, तो उनका स्वमान जाता रहा। लेकिन अब उस सब को भूलकर हम अपने श्रेष्ठ स्वमान को याद करें। मनुष्यों ने हमें स्वमान भले न दिया हो, लेकिन इस समय तो स्वयं भगवान हमें स्वमान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। हम उसके ईश्वरीय नशे में रहा करें और पुरानी बातों को संपूर्ण रूप से विराम लगा दें। जो कुछ भी हुआ, हीन भावनाएं चाहे कैसी भी रही, अब बहुत अच्छी तरह स्वमान का चिंतन करेंगे। चिंतन परम आवश्यक है। पहला कदम होता है स्वीकार करना, दूसरा कदम होता है उसका चिंतन करना। मान लो बाबा ने हमें स्वमान दिया, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, हम इसे स्वीकार करें। स्वीकार इसलिए करें कि जो हमें कह रहा है वो हमारे आदि मध्य अंत को संपूर्ण रूप से जानता है, हम तो भूल गए हैं। दूसरा है हम इसका चिंतन करें, देखें, विचार करें, कितने महान हैं हम ऐसे पूजनीय थे कि हमारे मंदिरों में हमारे चेहरों पर भी अब तक दिव्यता और तेज झलकता है। ये पूजनीय पद हमने कैसे प्राप्त किया था? स्वयं भगवान जब धरा पर आए तो हम उसके कार्यों में सहयोगी बने थे, हम पवित्र बने थे, इसलिए हम पूज्य बन गए। चिंतन करेंगे तो जिनके दर्शनों से ही भक्त प्रसन्न हो जाते थे, वो मैं हूं, तो मेरा चेहरा कितना दिव्यता से भरपूर, कितना महान होना चाहिए। तो आज सारा दिन हम ये अभ्यास करेंगे, मैं इष्ट देव देवी हूं, हीरो एक्टर हूं, इस सृष्टि की महान आत्मा हूं। और
योग अभ्यास करते हुए अपने को मस्तक सिंहासन पर बैठा हुआ स्वराज अधिकारी आत्मा, बहुत तेजस्वी आत्मा देखेंगे। ये देह अलग है, मैं अलग हूँ, मैं स्वराज अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, मन बुद्धि को मेरे आदेश का पालन करना ही है। अपने मन को बार बार कहेंगे तुम शांत हो जाओ और बुद्धि को आदेश देंगे, हे मेरी बुद्धि तुम स्थिर रहो, स्वच्छ हो जाओ, बिल्कुल दिव्यता से भरपूर हो जाओ, क्योंकि तुम्हें अब बाप समान बनना है। ओम शांति।